हे गाइस, तो आज फिर से मेरा हॉस्पिटल ड्यूटी एंड मैं जा रही हूँ अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेने के लिए दादी के लिए डाइनिंग हॉल पे, क्योंकि आज दादी का सुबह का अपॉइंटमेंट है एंड वो डाइनिंग हॉल नहीं जा सकती, इसलिए मैं जाके डाइनिंग हॉल से ब्रेकफास्ट लेके आऊँगी एंड वो बस ओट्स खाएंगे। एंड अभी मैं वेट कर रही हूँ लिफ्ट का, क्योंकि सुबह सुबह लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। तो फाइनली मेरी लिफ्ट आ गई है एंड मैं जा रही हूँ नाइट ड्रेस पे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ड्रेस चेंज करके जाऊं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ डाइनिंग हॉल। ओके, ओके, तो ये है हमारा डाइनिंग हॉल। ओके, तो हेलो, बिकॉज वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल एंड मुझे लेना था दादी के लिए योगर्ट, तो मैंने लिया योगर्ट। दादी को स्ट्रॉबेरी पसंद है तो मैंने स्ट्रॉबेरी वाली चूज़ की थी एंड उसके बाद मैंने लिया लेमन। आप बटर चीज़ कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने नहीं लिया। तो ये रहा दादी का ब्रेकफास्ट एंड ये दूध एंड अभी मैं जा रही हूँ रूम पे एंड दादी को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं भी हो जाऊँगी रेडी एंड फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। काबा, व्हाट यू वांट टू ईट? डाइसा कफे? यस, यू वांट? आई ब्रिंग कलाफ। काबा, यू डोंट वांट ब्रेड? तो अभी मैं दादी का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। डाइसा एंड कफे। आप तो सब बेच सब भी कुछ कैसे? ओके, बाबा यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आई विल गेट रेडी। ओके, यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आई विल गेट रेडी। ओके, तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड दादी भी है मेरी रेडी, बट अभी दादी की बेटी को आने में टाइम है इसीलिए हम लोग अभी वेट करेंगे। मी खावा हु किरियत बियालिक, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, दादी की बेटी आ चुकी है। किरियत बियालिक, दादी की बेटी ने तो बोला था कि वो बाहर है लेकिन मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है और मेरी दादी के पास इतना भी पेशेंट नहीं है कि वो रुके। कहाँ है वो भाई? देखो दूर दूर तक वो तो है नहीं, तो मैं जा रही हूँ अपने दादी के पास। We didn't eat the breakfast, only daisa and cafe. It's early. Yes. तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारा फ्लैग रखा हुआ था, क्योंकि अभी वार्ड चल रहा है इसके लिए एंड लिफ्ट भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड फिर फाइनली हम लोग लिफ्ट में बैठ के ऊपर चले गए। तो वहाँ पे दादी की बेटी वो अपना कार्ड लेके स्वाइप कर रही थी, क्योंकि हम लोगों को टोकन नंबर चाहिए अंदर जाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने लिया टोकन नंबर एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग चले गए थे डॉक्टर के कैबिन में एंड दादी और दादी की बेटी यहाँ पे बात कर रहे थे। कुछ मुझे इतना समझ में नहीं आया बट मुझे लग रहा है रिपोर्ट दिखा रही है। तो दादी को कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब किए गए एंड पहले बुलाए दवाई लेने के लिए, इसलिए हम लोग फार्मेसी आ गए थे एंड फार्मेसी बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो दादी की बेटी ने बोला कि हम लोग बाहर वेट करें उनका और वो दवाई लेके नीचे हम लोगों को मिलेगी, तो हम लोग चले गए नीचे। उसके थोड़ी देर बाद वो आ गई थी एंड हम लोग चले गए घर एंड वो बार बार बोल रही थी कि सायरन ना बजे, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा
रेड जोन वाले एरिया में आ गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग सेफली घर पहुंच गए।